भवदिंग्र पल्लव समास सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी शांतम निष्पेक्ष निरपेक्ष निरामय अगुण शब्द पर ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समद्रिक स्वद्रिक स्वपरमरते परमरते तव चक्रपाणि विश्वपकार रहित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि भगवतः उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंदर सावेश्चेतसो भागवत परमंस दयित कथाम किंचित दंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदमिम न प्राण हिन्वंती ही परम प्राचा मनीषी मंडल मारतंडा विद्वत विनेत विराट सारदूला शाब्दे पारे कृते भूरी परिश्रमा यत वृंदा एहिक उपाश्चेदनशीला भगवत गुणाणो बिहरशीला श्री मुकुंद पादारविंद मकरंदर सरसिका श्रद्धा भक्ति मनन साधन संयमशीला पितरो मातरो भ्रातरो भगिन्यो साधवो सर्वेशम भगवत स्वरूपाणाम प्रणमंदा सदा स्वयं स्वकीयन भाग्यन विनक्ति ही। चल रहे भागवत सत्र में पधारे हुए श्रोता समुदाय सीता एवं अनुसुईया के मार्ग का अनुकरण करने वाली श्रद्धा की साकार मूर्तियां माता एवं बहिने भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु भाइयों व सज्जनों सभी आप अपने मन को एकाग्र करें और मेरे राघव की मधुरात मधुर दिव्यात दिव्य मधुमय लीला का रसास्वादन करें श्रवण व चिंतन करें श्री हरि। कल की चर्चा तो ज्ञात होगी भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह खंबा फाड़ करके प्रकट हुए सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषतम व्याप्तम च भूते सुखलेषु चात्मना भक्त की वाणी को रितम सत्य करने के लिए बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद ने की ब्रह्मादय स्वर्गणा मुनियात सिद्धा सत्यिकता नमतयो वच संप्रवाही। भगवान ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपको स्तुति से प्रसन्न करना चाहें तो आप नहीं हो सकते। मन्ने धना बिजन रूप तपस्तौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा आप रूप से पद से बल से धन से प्रसन्न नहीं होते। भक्ति तो तोष भगवन बस एक भक्ति से प्रसन्न होते। नास्त तेस जात रूप धन क्रियाद भेदा नारद भक्ति सूत्र का 72वें नंबर का सूत्र है। भगवान रूप से धन से पद से बल से प्रसन्न नहीं होते बस एक भक्ति से प्रसन्न होते। भगवान ये नहीं देखते कि तू किस खानदान से किस कुल से है तू पुरुष है नारी है नपुंसक है ये भी कोई लेन देन नहीं। रामचरितमानस उत्तरकांड 87वें नंबर का दोहा पुरुष नपुंसक नारेवा जीव चराचर कोई और सर्व भाव भज कपट तज सोई परम प्रिय मोय। तो पुरुष नारी नपुंसक ये नहीं देखते भाई। यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ही नारद भक्ति सूत्र 4वें नंबर का सूत्र है। जीवन में भक्ति आ जाए तो भक्त तृप्त हो जाता है अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यद राशि में कामान वरास्तम वरधर सब प्रहलाद ने यही तो कहा है। भागवत जी के सप्तम स्कंद का 10वें अध्याय का 6वें नंबर का श्लोक है। भगवान ने कहा प्रहलाद मांग क्या चाहिए बोले कामानाम हृदय संरोहम प्रभो यही वरदान दीजिएगा कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कामना ही प्रकट न हो मांगने की इच्छा न हो। ये प्रहलाद मांग रहे
ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर कोई कामना ही प्रकट न हो किसी भी प्रकार की, ऐसा। और भक्त जो होते हैं भैया जी, वो बस प्रभु को चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। न पारमेष्टम न महेंद्र धिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धर पुनर्भवम वा मय्यार पिता मेच्छत मद विनान्यात। भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक है। वृत्तासुर ने भी यही कहा, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धर पुनर्भवम वा समझ जसत्वम विरही एकाक्ष। जीवन में सरसता आ जाए, भक्ति आ जाए, फिर किसी भी प्रकार की चाह नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती भाई। जीवन में भक्ति आ जाए बस। श्री हरि। सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीत च याचते अभयम् सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। भगवान कहते हैं सकृत देव प्रपन्ना है श्री हरि। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है 6:18-25। अगर एक बार कोई भक्त भगवान की शरण में आ जाए तो अभयम्, भगवान उसे अभय कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं, किसी भी प्रकार का भय प्राप्त नहीं होता। मई भक्तिर भूतानम मृतत्वाय कल्पते। ये भागवत महापुराण 10वां स्कंद 82वें अध्याय का 45वें नंबर का श्लोक। अमृतत्वाय कल्पते, जीवन में भक्ति आ जाए तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जीवन में भक्ति चाहिए भाई, ज्ञान के चक्कर में भी मत पड़ना। गीता जी के 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक है, भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। मैं अपने भक्त को ज्ञान तो वैसे ही दे देता हूँ, बस मेरा भजन करता रहे, बुद्धि योग तो वैसे ही। आदा भी तुम प्रतिज्ञा तुम नमे भक्त प्रणस्सती। अद्भुत रामायण का श्लोक है 13 बारे। जीवन में सरसता भक्ति होनी चाहिए भाई। बाघ गदगदया द्रवते यश्च चित्तम रुदत्ति भीक्षण हसति क्वचिच्च। सतत कभी उसकी लीलाओं का चिंतन करके, जैसे भक्त जो होते हैं कभी अश्रुपात करते हैं, कभी नाचते, कभी हंसते। बांग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम। यह भागवत महापुराण का 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 24वें नंबर का श्लोक है। भक्ति लब्धवत साधो किमन्नि वशिष्यते है। भागवत में तो यहां तक कहा है कि जीवन में अगर भक्ति आ गई तो बताओ क्या शेष बचा। भक्ति लब्धवत साधो, जीवन में सरसता भक्ति आ जाए बस। 11वें स्कंद का 36वें अध्याय का 30वें नंबर का श्लोक है। त्रिपादी विभूति महानारायण उपनिषद में तो यहां तक लिखा है चतुर्मुखा चार मुंह का ब्रह्मा भी बिना विष्णु भक्ता कल्प कोटिर फिर मोक्षो न विद्यते। चाहे करोड़ों जन्म क्यों नहीं व्यतीत हो जाए, बिना भक्ति के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही मैंने प्रहलाद की चर्चा में आपको भक्ति का वर्णन सुनाया। और राम जी ने भी सबरी से यही कहा है, चौपाई सबको याद है, थोड़ा गुनगुनाए कि कहे रघुपति सुने भामिनी बातक। कहे रघुपति सुने भामिनी बातक। भगति कर नाता कहे रघुपति सुने कहे रघुपति। कहे रघुपति सुने भामिन बाता मानव एक भगत कर नाता। भगवान कहते हैं अगर किसी से मेरा कोई नाता है तो एक भक्ति का, दूसरा नाता नहीं है।
जीवन में सरसता भक्ति पैदा करिए भाई। व्याकरण के द्वारा भज से भायाम धातु से भक्ति बनती है। दूसरी धातु है भंजो आम्रदने, उससे भी भक्ति बनती है। भज्जते अनया इति भक्ति, सब कुछ छोड़ करके उसका हो जाना, उसे कहते हैं भक्ति। उसके भरोसे का जीवन, मम भरोस ही हरसन देना। माँ सबरी से राम जी ने यही कहा, माँ जगत का भरोसा करना मत, जगदीश का भरोसा छोड़ना मत, जय सिया राम। लेकिन आप और हम जगदीश पर नहीं जगत पर भरोसा करते हैं। आदि पुराण का श्लोक है 28:12, मामेव परित्यज्य वस्तुनोवर्थे विधावती विवेक रहितो मूर्खो दुःखमेवा विपद्यते। भगवान कहते हैं जो मुझे छोड़ करके वस्तु के पीछे, जड़ पदार्थ के पीछे दौड़ता है, वो विवेक रहितो मूर्खो ज्ञानहीन है, मूर्ख है, बस दुःखमेवा विपद्यते। दुख को ही प्राप्त होता है और कुछ नहीं मिलेगा उसे। जो प्रभु को छोड़ करके पदार्थ की ओर जाता है, जीवन प्रभु में। कोई भी शास्त्र आप उठा के देखें, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, दूसरा स्वरोचिस, तीसरा उत्तम, चौथा तामस। इसी तामस मनवंतर में हरमेदा ऋषि क्या हरिणी के गर्भ से भगवान हरि ने जन्म लिया, गजेंद्र को ग्राह के बंधन से छुड़ाया। परीक्षित ने कहा महाराज विस्तार से सुनाइए। बोले आसीत गर्भरो राजस त्रिकूटित विस्तृत क्षीरो देनाब तो श्रीमान्यो जनयुत मुच्छ्रित। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता है, बहुत बड़ा परिवार। एक दिन हथनियों के साथ सरोवर में जलपान करने गया तो क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक ग्राह ने आकर के पैर पकड़ लिया। उसके जो संबंधी थे हाथी लोग, उन्होंने खूब छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छुड़ा पाए। हाथी छोड़ छोड़ के चले गए। एक दो दिन की बात हो तो कोशिश भी करें, कई दिन निकल गए। हथनियों ने कहा हम अपने प्राण बल्लभ को मरने नहीं देंगे, छुड़ाने की कोशिश करती हैं। गजेंद्र सोचता है न माम में ज्ञाते आतुरम गज कुतक्रण्य प्रभुअंतिमोचतुम। जब बड़े बड़े हाथी नहीं छुड़ा पाए, बड़े बड़े बलिष्ठ, तो कुतक्रण्य ये हथनियां क्या छुड़ाएंगी। यकश्चने सो बलना अंत कोरगात प्रचंड बेगात भिदावतो वृषम। लगता है ये ब्रह्मा का काल पास है, अब तो जाना पड़ेगा। काल पास ने पकड़ लिया मुझे भाई से। ये गजेंद्र की कथा नहीं, आपकी और हम की, सब सबकी यही कथा है। गजेंद्र कौन है? ये जीव आप और हम। जीव रूपी गजेंद्र का काल रूपी ग्राह ने संसार रूपी सागर में पैर पकड़ रखा, सबका पैर पकड़े। लेकिन ऐसा सोचता है जीव, बोले अपना तो पकड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, सबका पैर पकड़े हुए ऐसे समझे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित अवे। किसी सांप ने मैडक को पकड़ लिया और मैडक सांप के मुंह में बैठा, लेकिन फिर भी मच्छर खाने की जुगाड़ में, उसे ये नहीं मालूम कि थोड़ा डकारा के अंदर। ऐसे ही प्रत्येक जीव काल के मुंह में बैठा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता, बिल्कुल मैडक जैसी दशा है, उसे ये ज्ञात नहीं है कि मैं बिल्कुल काल के मुंह में बैठा हूं, न जाने कब जाना पड़े। बड़ी विकृति। कोई नहीं छुड़ा पाया। आप भी ये सोचें कि अगर जीवन में संकट आए, जब जाओगे संकट भी छोड़ो, जब जाने वाला दिन आएगा ना, तो कोई भी साथ नहीं देगा हमारा, सब किनारा कर जाएंगे, सब छोड़ के चले जाए, कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जगत में लिप्त है, फंसा हुआ है, जीवन में जड़ता आ गई, जड़वाद आ गया, ईश्वर को छोड़ दिया, नश्वर की तरफ जा रहा है, जगदीश को छोड़ दिया जगत की तरफ, बार बार गोते खा रहा है जगत में, पुण्य पे जन्मम पुण्य पे मरणम, बार बार डूब रहा है, इन विषयों से तरने का सहारा ना मिला। इन विषयों से तरने का सहारा न मिला, सहारा न मिला,
डूबा डूबा में उछला के नारायण मिला, डूबा डूबा में उछला के नारायण मिला, इन बिच्छियों से करने का सहारा टूट गया जीवन का सुहाना सपना वो ही निकला बेगाना जिस जाना अपना, वो ही निकला बेगाना जिस जाना अपना, वो ही निकला बेगाना जिस जाना अपना, इन विषयों से तरने का सहारा न मिला, सहारा न मिला, डूबा डूबा में उछला किनारा न मिला, डूबा डूबा में उछला किनारा न मिला, बिच्छियों से तरने का सहारा न मिला, सहारा न मिला, डूबा डूबा में उछला करके, वो तो चले गए मुझको बर्बाद करके, वो तो चले गए मुझको बर्बाद करके, वो तो चले गए मुझको बर्बाद करके, इन विषयों से तरने का सहारा न मिला, सहारा न मिला, डूबा डूबा में उछला के नारा न मिला, डूबा 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 में उछला के नारा न मिला, डूबा बार बार ये जीव संसार सागर में गोते खा रहा है, बार बार पुण्यप जन्मम पुण्यप मरणम पुण्यप जननी जठरे सेनम है आकर 484 योनि भ्रमित जीव अविनाशी। हथनिया भी छोड़ के चले गए, अकेले गजेंद्र रह गए। ऐसा संत बताते जौ के समान जब सूंड बाहर रही तब प्रभु को पुकारा। पहले तो सोच रहा मेरा परिवार बहुत लंबा है, रक्षा कर लेगा, जब किसी ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा ही आप और हम करते हैं, सोचते हैं परिवार बहुत